खलबली है खलबाली, दिल विच मची है खलबाली, खलबली है खलबाली। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जी की हाल चाल ने बॉलीवुड दादा हाथ ना लाके बॉलीवुड फिल्मी गपशप। खलबली जनाब दिल दे विच नहीं मची हुई, खलबली मची हुई है उम्मीदवारां दे विच, पार्टियां दे विच वोटां नूं लैके। और खली बाई साडे जिहड़े हैगे ने ओह वी खलबली तों वांझे नहीं रहे, उहनां दे अंदर वी खलबली मची हुई है। इसे करके ओह कदे अखिलेश यादव नूं जाके मिलदे ने, कदे केजरीवाल साहब नूं जाके मिलदे ने, पर वैलेंटाइन वीक उहनां ने किसे होर नाल सेलिब्रेट कर लिया। ग्रेट खाली क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं मैं एक्स्ट्रा खाता हूँ और एक्स्ट्रा मैं एक्सरसाइज करता हूँ और सब कुछ मैं एक्स्ट्रा करता हूँ। वैलेंटाइन डे तो पहला ही वैलेंटाइन डे भी मना लिया, समझे कि नहीं? नहीं। टेंशन ना लो, मैं समझाना तुहानू, दरअसल चॉकलेट किसे होर कोलों खाधी, टैडी किसे होर कोलों लिया, पर हग डे किसे होर नाल ही सेलिब्रेट कर लिया। हाँ जी जनाब, वैलेंटाइन डे भी सैलीब्रेट कर लिया उदन जिदन वो बीजेपी दे विच शामिल होए। और वैसे भी यूपी दे विच बीजेपी कार्यकर्ता नूं बड़ी लोड़ सी, क्योंकि जिदा उन्होंने कार्यकर्ता छड़ छड़ के पार्टी जांदे ने, उन्हां दी पार्टी दे विच तां पहला ही खली बली खली खली खाली खाली होया पिया, इसलिए खली दे यार नाल कुछ जगह तां भर ही गई है। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह। महाराज एक बंदा बड़ा बीमार सी और इन्नी माड़ी हालत सी ओदी, फिर भी ट्रैक्टर चला के वोट पाउण दे लई पहुंचिया, अपनी जिम्मेवारी निभाउण दे लई। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। होर ता होर भाजी, एक बैचलर बंदा बरात लै के जा रहा सी दूल्हा, ओ भी अपनी बरात नूं लै के लाइन दे विच लगा, एक घंटा खड़ा होया ते वोट पा के फिर अपने ब्याह ते गया। मेरे हिसाब नाल ओह कहण डिया होना कि यार घंटा जिहड़ा बैचलर होण दा सुख प्राप्त हुंदा है ओह मान लो अगों तो मेरी कुत्ते खाणी होणी है। और एक 110 सालां दी माता जी भी वोट पाउण दे लई पहुंची और कहिंदी है कि मैं अपनी जिम्मेवारी निभाउण दे लई इत्थे आई हां। ये बिग गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखो लोग तां अपनी जिम्मेवारी बड़ी चंगी तरह समझ रहे ने, अगे वध चढ़ के अपनी जिम्मेवारी निभा रहे ने, पर की जिन्हां नूं असीं वोटां पाउणियां ने ओह वध चढ़ के अपनी जिम्मेवारी निभाउणगे कि नहीं? नहीं। इहदे बारे मैं इक्को चीज कहना चाहांगा, नो कमेंट्स। जिम्मेवारी की गल तुरी है तो कई जो मीडिया हाउसिस ने वह भी अपनी जिम्मेवारी सही तरह नहीं निभा रहे। दरअसल गल मैं सारे के उत्ते नहीं लगा के कह रहा, ऐसे बंदे नूं कह रहा जिन्हें एक खबर फैलाई एक बैचलर बंदे के खिलाफ, बड़े आरोप लाए ने कि उन्हें विआह करा लिया। मैं भाईजान सलमान खान साहब की गल कर रहा, पिछे जी बड़ी चर्चा हुई कि उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के नाल विआह करा लिया। और कौन बंदे है यार जो वेले बैठे इदा के काम कर रहे ने? सोनाक्षी सिन्हा ने अगे आ के हुण चुप्पी तोड़ी, उन्होंने कहा कि इदा की कोई गल नहीं है कि साडा कोई विआह नहीं होया, ना ही साडा कोई विचार है। उन्होंने कहा कि सलमान खान मेरे गॉडफादर जरूर है। अच्छा जी, क्या बोला तूने? उन्होंने कहा कि मैनू फिल्मां दे विच ले आउण वाले सलमान खान ने, मैं उन्होंने बड़ी इज्जत करती हाँ और साडे विच बड़ा वधिया बॉन्ड हैगा। और एक सीनियर कलाकार दे लई और एक गॉडफादर दे प्रति मेरा जिहड़ा सम्मान है, मेरी जिहड़ी रिस्पैक्ट हैगी है बहुत ज़्यादा है, पर विआह बारे मैं कुछ नहीं सोचिया। हाँ सलमान खान का एक ब्रदर है बंटी, उहदे नाल मेरी फ्रेंडशिप थोड़ी ज़्यादा हैगी है, पर उहदे नाल भी एक दूजे नूं असीं चैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर विआह वाली गलबात उहदे नाल भी हले नहीं हैगी। मतलब ये गल तो अंदरली पता लग गई है कि नहीं? हाँ तो खैर उहदे नाल विआह हुंदा कि नहीं ये बात की गल है, पर सलमान खान भाई जान दे नाल जिहड़े चर्चे उठाए गए ने, जिहड़ियां अफवाहां उड़ाईआं गईआं ने वह झूठियां हैगीआं ने। सलमान खान भाई साहब किदां विआह कर सकदे ने? मरना है क्या यार? तुसीं हर गल दा गलत मतलब ना कढ़िया करो। चल मतलब कहण दा है कि सोनाक्षी सिन्हा ते सलमान खान दे विच जमीन आसमान दा फर्क है। अरे कहना क्या चाहते हो? ओ यार फिर पुठा मतलब लै गए। कहण दा मतलब ए कि दोनों दी एज दे विच बड़ा डिफरेंस है। चुप खैर जिम्मेवारियां लोग निभा रहे ने, पर उन्हां बंदियां नूं मैं कहना चाहांगा जिहड़े घर बैठे कदी किसे नूं मार छड्दे ने, कदी किसे दा विआह करा छड्दे ने, पर उन्हां विचारियां दा दोष भी है नहीं दोस्तों। दोष मैं दिंदा सारियां सरकारां नूं जिहड़ियां लोकां नूं घरे बिठाउंदियां ने नौकरियां दे वादे दे के। मुझे सुनना ही नहीं है। हुण मैं तां इहो ही कहिंदा कि उन्हां नूं वोट पाओ जिन्हां ते तुहानूं हैगा चंगा भरोसा कि इह तुहाडियां उम्मीदां ते खरे उतर सकदे ने।
वैसे हर बार इदा ही वोट पाई दी आपां पर उत्तर देते हैगे पर उम्मीदां ते खरे नहीं उत्तर दे है कि नहीं अजकल तां लिट लिट के डिग डिग के मत्थे टेक टेक के वोटां मंगण डे ने पर वोटां लैण तो बाद नजरी भी नहीं आउंदे। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है अपना घर भरता है ऐसा मैं भरूंगा। खैर उम्मीद तो यो ही कर सकते हैं सपना तो असी सुनहरे भविख का वेख सकते हैं कि साडा भविख भी उज्ज्वल होएगा या नहीं ये तो साढ़े तो साड़ी वोट पर निर्भर करता है। सही बंदे वोट पाओ जिहड़ा तुहाडे सुपनों साकार कर पावे है कि नहीं। खैर जे मेरिया गल्लां चंगिया लगिया ने तो तुसी कमेंटां दे विच झड़ी ला के मैनूं दस सकते हो। मैं चलदा कल फिर हाथ रोवां गल्ल लैके बॉलीवुड फिल्मी गपशप। हुण मैनूं दिओ इजाजत तुसी अपना अपने अपने का ध्यान रख्या करो हाजिर हसाउंदे रहो बाय टेक केयर।